वायनाड से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यूपी से भी चुनावी रण में उतरने का फैसला कर लिया है। खबर है कि राहुल गांधी के अमेठी या रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने को लेकर फैला संशय खत्म हो चुका है और राहुल गांधी ने चुनाव लड़ने पर अपनी रजामंदी दे दी है। हालांकि ये साफ नहीं है कि वो अमेठी सीट से चुनाव लड़ेंगे या रायबरेली से, लेकिन ज्यादातर कयास यही लगाए जा रहे हैं कि वो अमेठी सीट से ही स्मृति ईरानी को टक्कर देने के लिए मैदान में उतरेंगे। उम्मीद है कि आज शाम तक इस बात से पर्दा उठ जाएगा और उनके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली सीट पर 20 मई को पांचवें चरण में मतदान होना है। 3 मई यानी शुक्रवार इस सीट पर नामांकन भरने का आखिरी दिन है, मगर कांग्रेस की ओर से उत्तर प्रदेश की इन दो हाई प्रोफाइल सीट्स पर इस बार कौन चुनावी मैदान में होगा, इसे लेकर अब तक सस्पेंस बना हुआ है। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि ये दोनों ही सीटें कांग्रेस, खास तौर पर गांधी परिवार का गढ़ रही हैं। मगर इस बार कांग्रेस और इंडिया गठबंधन दोनों की ही तरफ से इस पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। रायबरेली और अमेठी सीट के लिए नामांकन भरने में कम समय बचा है और अब तक कांग्रेस की ओर से कोई सुगबुगाहट नहीं और ना ही कोई संकेत मिल रहे हैं कि इन दोनों सीटों पर उनका उम्मीदवार कौन होगा। पिछले दिनों यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन भी किया था और राहुल गांधी से चुनाव लड़ने की अपील की थी। एक राहुल गांधी जी को लाने के लिए गांधीवादी तरीके से अपनी बात उनके पास में पहुंचा रहे हैं कि भैया बहुत देर हो गई, अब भैया देर न करो, अब आ जाओ, अब देर बहुत हो गई है, हम लोगों की आंखें एकदम नम हो गई हैं आपका इंतजार करते करते, आप हमारे बड़े भाई हो, कहीं से गलती हुई है, कोई बात हुई हो तो क्षमा करिए, आपको आपकी ऐतिहासिक मतों से हम लोग जिता के देंगे, आपके परिवार के हैं, आपके बिना हम लोग शून्य हैं। कार्यकर्ताओं की अपील के अलावा आज सुबह रायबरेली में कांग्रेस के करीबी KL शर्मा भी पहुंचे और उन्होंने भी राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की बात पर जोर डाला। कार्यकर्ता तो समझो कि जैसे है ना कि वो बाड़े का खोल दो घोड़े वाला रेस वाला की दौड़ जाए, तो इनका सबका ये है कि जनता को जवाब देना इनको मुश्किल हो रहा है। भैया बताओ कौन आ रहा है, जिस तरह ये मेरे तक पहुंचते हैं, मैं ऊपर तक पहुंचता हूं, तो इनका भी बेचारों का जनता पूछ रही है कि भैया बताओ कौन आ रहा है। ठीक है, तो ये एक जनता के भावना जो है वर्कर सारी बता रहे हैं आज, और वर्कर उत्साहित है कि ये इलेक्शन हमको बहुत ही आसान पड़ेगा अगर गांधी परिवार आ जाता है। तो राहुल गांधी के नाम की चर्चा जोरों शोरों से है। अब देखते हैं कि कांग्रेस की तरफ से कौन मैदान में उतरता है और किस सीट से उतरता है और बीजेपी को कितनी कड़ी टक्कर दे पाता है।